एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने अपने नेताओं और मंत्रियों को संवेदनशील मामलों में संभलकर बोलने की नसीहत दी थी, लेकिन लगता है कि बीजेपी नेताओं पर पीएम की हिदायत का कोई असर नहीं पड़ रहा। तभी तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने ऐसा बयान दिया है जिसने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। जी हाँ, एमपी के मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि बलात्कार की बढ़ती संख्या के लिए पॉन साइट्स जिम्मेदार हैं। जो छोटे बच्चों की तरफ से इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसका बड़ा कारण पॉर्न फिल्में है। ये बोल है मध्य प्रदेश के प्रिय मामा शिवराज सिंह चौहान के मंत्री जी के, जो बच्चियों से रेप और छेड़छाड़ के मामलों के लिए दरिंदों की हैवानियत को नहीं बल्कि पॉर्न वेबसाइट्स को कोस रहे हैं। एमपी के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि पॉर्न वेबसाइट की वजह से ही बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए उनकी सरकार प्रदेश में पॉर्न बैन करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय के सर्वे में सामने आया है कि पोर्नोग्राफी कंटेंट आसानी से मिल जाता है, इसलिए बलात्कार और यौन शोषण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। अध्ययन में हम लोगों ने महसूस किया है, जो हम लोगों ने अध्ययन करवाया है, जो छोटे बच्चों की तरफ से इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसका बड़ा कारण पोर्न फिल्में है, और इसलिए पोर्न फिल्मों पर पूरे मध्य प्रदेश में रोक लगे, इसके लिए हम भारत सरकार को प्रस्ताव भेज रहे हैं। वैसे इस तरह का बयान देने वाले ये कोई पहले बीजेपी नेता नहीं। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने रेप की घटनाओं को आम बताया था और बात का बतंगड़ ना बनाने की हिदायत दी थी। दिव्य लाइव की रिपोर्ट।